नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भारत और बांग्लादेश के बीच शिखर वार्ता आज। रक्षा, व्यापार और निवेश समेत अहम क्षेत्रों में 25 समझौतों की उम्मीद। द्विपक्षीय संबंध होंगे मजबूत। गौरक्षक मामले में सुप्रीम कोर्ट का 6 राज्यों को नोटिस। राजस्थान ने गृह मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट। विपक्ष ने लगाया गुमराह करने का आरोप। शिवसेना सांसद रवीन गायकवाड़ से हटी पाबंदी। मारपीट पर जताया खेद। नागर विमानन मंत्रालय के आदेश पर एयर इंडिया का फैसला। अमेरिका ने सीरिया पर हमले को ठहराया सही। कहा और हमले के लिए रहे तैयार। रूस ने बताया अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन। हमले में 9 लोगों की हुई थी मौत। और डेविस कप मुकाबले में भारत ने उज्बेकिस्तान पर बनाई 2-0 की बढ़त। रामकुमार और प्रज्ञेश ने अपने अपने मैच जीते। मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में अजय जयराम की हार। भारत और बांग्लादेश के बीच आज करीब 25 समझौते होने की उम्मीद है। वहीं तीस्ता जल बंटवारे पर भी बातचीत होगी। भारत दौरे पर दिल्ली पहुंची बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके आपसी संबंधों को और मजबूत बनाने को लेकर बातचीत करेंगी। शेख हसीना का राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी से भी मिलने का कार्यक्रम है। भारत और बांग्लादेश के संबंधों के बीच आज का दिन काफी अहम साबित होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की आज औपचारिक मुलाकात और फिर होने वाली शिखर वार्ता में कई समझौतों की उम्मीद है। शिखर वार्ता के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच नए रेल सेवा और नए बस सेवा के शुरुआत की भी घोषणा की जाएगी। इसके अलावा भारत की तरफ से बांग्लादेश को पाइपलाइन के माध्यम से हाई स्पीड डीजल दिए जाने की बात भी होगी। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने के अलावा तीस्ता जल बंटवारे पर भी बातचीत होगी। तीस्ता मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के रुख को देखते हुए उन्हें भी कार्यक्रमों और भोज में शामिल होने के लिए दिल्ली बुलाया गया है। इस यात्रा के दौरान दोनों देश पुराने समझौते की प्रगति और आपसी सहयोग बढ़ाने पर विस्तृत चर्चा करेंगे। Also involved in various upgradation projects in Bangladesh, in which the expertise of Indian companies is being put to good use. All in all, we believe that this is a very, very special visit, and we expect that this will take our partnership to just that one level higher. विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत और बांग्लादेश के बीच असैन्य परमाणु सहयोग और रक्षा सहयोग समेत 25 समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इसमें रक्षा, साइबर सुरक्षा, व्यापार, निवेश, विज्ञान, तकनीक, ICT, शिपिंग और बस सेवा पर समझौते हो सकते हैं। इस दौरान भारत बांग्लादेश को सैन्य आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए $50 करोड़ का कर्ज देने का ऐलान कर सकता है। And also provides for defense R&D, defense supply, and so on and so forth. The second MOU is for more for the aspect of again making it possible for Bangladesh to source some of its defense-based equipment and supplies from India. बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी समेत कई नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम है। इसके अलावा वो सोमवार को भारतीय कारोबारियों से मिलेंगी। शेख हसीना 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के सम्मान समारोह में भी शिरकत करेंगी। इससे पहले शुक्रवार को प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत दौरे को विशेष महत्व देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी करने पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध नई ऊंचाइयों को छुएंगे। अखिलेश सुमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अलवर मामले में राज्यसभा में विपक्ष ने सरकार पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। वही राजस्थान सरकार ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेज दी है। इसमें आरोपियों को पकड़ने के लिए विशेष टीम बनाने की बात कही गई है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह इस मामले में सोमवार को संसद में जवाब दे सकते हैं। मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में राजस्थान और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।
राज्यसभा में शुक्रवार को भी अलवर की घटना का मुद्दा उठा। नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा कि संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने सदन को गुमराह करने की कोशिश की है। थप्पड़ अगर एक दूसरे को कोई मारे तो उसकी रिमांड होती है 14 दिन के लिए, और ये कत्ल के लिए रिमांड 1 दिन की होती है, तो उसका मतलब शुरू से ही नियत है इस केस को खत्म करने की। संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अलवर नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और गुजरात समेत दूसरे राज्यों में इस तरह की घटनाओं से इनकार किया था, क्योंकि हमने कल भी कहा था ये एक संवेदनशील मुद्दा है, और संवेदनशील मुद्दा है राजस्थान की सरकार जो कानूनी प्रावधान है उसके तहत कड़े कदम और कड़े कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई कर रही है। इसलिए ऐसे संवेदनशील मुद्दे को हम सबको संवेदनशीलता के साथ डील करना चाहिए। इधर सुप्रीम कोर्ट में गौरक्षा के नाम पर पिछले दिनों हुई हिंसक घटनाओं पर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता ने अलवर की घटना का मामला उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों पर राजस्थान के अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, झारखंड और कर्नाटक को नोटिस जारी किया और 3 हफ्तों में जवाब मांगा है। हुड़दंग मचा हुआ है, गौरक्षा के नाम पर कुछ ऐसे असामाजिक तत्व सामने आना शुरू हो गए हैं, और जब उन पर कोई कार्रवाई होती है और एक राजनीतिक शेल्टर लेकर निकल जाते हैं। इस बीच राजस्थान सरकार ने अलवर मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेज दी है। इसमें कहा गया है कि इस मामले की जांच और आरोपियों को पकड़ने के लिए विशेष टीम बनाई गई है। शुरुआती रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घायलों को अस्पताल पहुंचाया, साथ ही FIR दर्ज कर अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अलवर में 1 अप्रैल को गौ तस्करी के आरोप में कुछ लोगों के साथ बुरी तरह मारपीट की गई थी। इसमें पहलू खान नाम के एक शख्स की मौत हो गई। कृति मिश्रा, राज्यसभा TV। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ बटाईदार और ठेके पर जमीन लेकर खेती करने वाले भी उठा सकते हैं। राज्यसभा में कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कल ये जानकारी दी। सरकार ने यह भी कहा कि ये लाभ तब मिलेगा जब जमीन मालिक के साथ लिखित करार किया जाए। खेती पर बढ़ते संकट के बीच सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़े नियमों को स्पष्ट किया है। प्रश्नकाल के दौरान सरकार ने बताया कि योजना में बटाईदारों और ठेके पर जमीन लेकर खेती करने वालों को शामिल करने का प्रावधान है। अपनी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में ये प्रावधान है, यदि वो किसान के साथ अपना MOU करके वो प्रीमियम भरेगा तो उसको भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कवर दिया जाएगा। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने बताया कि पंजाब के किसान भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए पंजाब को योजना लागू करनी होगी। पंजाब में ये दिव्या योजना चल नहीं रही, पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ। पंजाब के अंदर ये बीमा योजना आदि चलती रहती, उनका नुकसान का आंकड़ा आया होता तो हमने कितनी राशि दी इसका इसमें जिक्र होता। देश में 1/4 से अधिक खेती बटाईदारों के जरिए होती है। इसमें वो सारा जोखिम उठाते हैं, लेकिन सरकारी लाभ तक उनकी पहुंच कम है। खेती करने का खर्च बढ़ने से कई बटाईदार कर्ज में डूब जाते हैं और फिर आत्महत्या कर लेते हैं। देश में आत्महत्या करने वाले 90% से ज्यादा किसान यही हैं। कृति मिश्रा, राज्यसभा TV। एयर इंडिया ने शिवसेना सांसद रवीन गायकवाड़ से पाबंदी हटा दी है। कंपनी ने बताया कि नागर विमानन मंत्री से लिखित आदेश मिलने के बाद ये फैसला लिया गया है। दरअसल सांसद ने नागर विमानन मंत्री अशोक गजपति राजू को चिट्ठी लिखकर कर्मचारी के साथ बुरे बर्ताव पर खेद जताया था। इससे पहले एयर इंडिया ने उनका टिकट रद्द किया था। 24 मार्च को गायकवाड़ ने पुणे से दिल्ली आते वक्त एयर इंडिया के कर्मचारी के साथ मारपीट की थी। इसके बाद उनकी हवाई यात्रा पर पाबंदी लगाई गई थी। इस मामले पर शिवसेना ने लोकसभा में अवरोध भी किया था। अच्छा, मिस्टर गायकवाड़ जी ने अपॉलजी टेंडर किया मिनिस्ट्री का और हॉनरेबल मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन का। सो अकॉर्डिंगली वी गॉट द डायरेक्टिव फ्रॉम द मिनिस्ट्री टू विथड्रॉ द व्हाट द गाइडलाइंस इज देयर। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके साफ किया है कि 500 और 1000 के पुराने नोटों को बैंक में जमा करने के लिए और मौका नहीं दिया जा सकता। सरकार ने यह भी साफ किया है कि 30 दिसंबर 2016 की समय सीमा नहीं बढ़ाई जा सकती। सरकार ने ये हलफनामा पुराने नोट जमा करने के लिए समय सीमा बढ़ाने की मांग पर याचिका का जवाब देते हुए दाखिल की है। सरकार ने कहा है कि अध्यादेश में यह साफ तौर पर कहा गया था कि इस पर किसी कानून या RBI एक्ट का प्रभाव नहीं होगा। उसमें सिर्फ देश के बाहर रहने वाले भारतीयों को कुछ शर्तों के साथ छूट दी गई थी।
सरकार ने कहा है कि अध्यादेश अब कानून की शक्ल ले चुका है। तय तारीख के बाद अब पुराने नोट रखना दंडनीय अपराध है। सरकार ने अदालत को इस दौरान छापों से जुड़ी जानकारी भी मुहैया कराई है। इस दौरान 5,400 करोड़ रुपए से अधिक की अज्ञात आय का पता चला। मध्य प्रदेश में भिंड उपचुनाव के लिए डेमो कार्यक्रम में इस्तेमाल की गई ईवीएम मशीनों और पेपर ट्रेल मशीनों में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईवीएम और वीवीपीएटी के कामकाज में सटीकता को लेकर कोई संदेह नहीं है। ईवीएम और वीवीपैट में गड़बड़ी के आरोप की जांच कर रही चुनाव आयोग की टीम ने इस बात का खुलासा किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रदर्शन के दौरान चुनाव अधिकारियों की लापरवाही की वजह से वीवीपैट मशीन में अलग डेटा था और ईवीएम में उम्मीदवारों के नाम के बटन अलग थे। दोनों के बीच तालमेल न होने पर बटन पर लिखे उम्मीदवार का नाम अलग था, इसलिए स्लिप पर पिछले डेटा के मुताबिक प्रिंट आ रहा था। जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि भिंड में प्रदर्शित ईवीएम उत्तर प्रदेश से नहीं मंगाई गई थी। आयोग की जांच टीम ने अपनी जांच रिपोर्ट में यह भी कहा है कि मतदान के नतीजे आने के 45 दिन के भीतर चुनाव याचिका दाखिल करने की मियाद होती है, तब तक ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों को सुरक्षित रखा जाता है। इस विवाद के बाद जिलाधिकारी निर्वाचन अधिकारी को हटा दिया गया था। आयकर अधिकारियों ने कल तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री सी विजय भास्कर के घरों और प्रतिष्ठानों की तलाशी ली। पीटीआई के मुताबिक राज्य में 30 जगहों पर तलाशी हुई है। इनमें मेडिकल प्रोफेशनल, दवा कंपनियां और उनके अधिकारी शामिल हैं। इस काम में आयकर विभाग के 100 अधिकारी शामिल थे। एक विधायक के खिलाफ भी तलाशी हुई। आयकर अधिकारियों के मुताबिक ये तलाशी कर चोरी से जुड़े मामलों में हुई है। इसके अलावा अन्ना द्रमुक पार्टी पर आर के नगर विधानसभा उपचुनाव में पैसे बांटने का आरोप भी है। उपचुनाव 12 अप्रैल को होना है। यहां से पार्टी के उप महासचिव टीटीवी दिनाकरन उम्मीदवार हैं। महाराष्ट्र विधानसभा ने कल 10 और विधायकों का निलंबन वापस ले लिया है। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री गिरीश बापट ने इस बारे में विधानसभा में प्रस्ताव रखा, जिसे ध्वनिमत से मंजूर कर लिया गया। इसमें कांग्रेस के 5 और एनसीपी के 5 विधायक हैं। इससे पहले 1 अप्रैल को 9 विधायकों का निलंबन रद्द किया गया था। 22 मार्च को 19 विधायकों को सस्पेंड किया गया था। इनमें से 10 एनसीपी और 9 कांग्रेस के विधायक हैं। इन पर 18 मार्च को बजट के दिन अवरोध पैदा करने का आरोप है। इन विधायकों को पूरे साल के लिए निलंबित किया गया था। विपक्षी दल किसान कर्ज माफी की मांग कर रहे हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने आम आदमी पार्टी के ऑफिस का आवंटन रद्द कर दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा है कि उपराज्यपाल ने पार्टी दफ्तर हाउस रेवेन्यू के आवंटन को रद्द कर दिया है। चुगलू समिति ने आम आदमी पार्टी के ऑफिस के लिए सरकारी बंगला देने के तरीके और आदेश की वैधता पर सवाल उठाए थे। हम जब इतना काम कर रहे हैं तो हमसे यही गुनाह और अपराध हो गया है। शायद इसी कारण से बीजेपी का राज्य मुख्यालय तो मंत्री का बंगला मिल सकता है 14 पंथ मार्ग उनको, लेकिन आम आदमी पार्टी को नहीं मिल सकता। और खबरें जारी है, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। MC मैरीकॉम, सफलतम भारतीय महिला मुक्केबाज, विश्व चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण और 1 रजत, लंदन ओलंपिक्स में कांस्य और एशियन गेम्स में कांस्य पदक विजेता। 5 फीट 2 इंच लंबी मैरी को किया जाता है दुनिया की सफलतम महिला मुक्केबाजों में शुमार। खेलों में वरिष्ठ योगदान के लिए उन्हें मिले हैं पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। जो मन चाहता वही करो, जो उसके लिए करना है वही करो, कुछ भी करो वो करो, अगर जितना भी अच्छा चीज हो, वेयर यू गेट फैसिनेटेड लीव इट। आपको एक आर्टिस्ट बनना है, पेंटर बनना है, स्कल्प्टर बनना है, इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट बनना है, जो उस चीज को खड़ा करे वही करो। अगर अपनी जर्नी हो चाहे बुरी भी हो, वो आगे जाके बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन उसके साथ पेशेंस रखना है। नमस्कार, मैं हूँ वीरमन शी, मुझसे मिलिए प्रोग्राम गुफ्तगू में, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। MC मैरीकॉम, सफलतम भारतीय महिला मुक्केबाज, विश्व चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण और 1 रजत, लंदन ओलंपिक्स में कांस्य और एशियन गेम्स में कांस्य पदक विजेता।
5 फीट 2 इंच लंबी मैरी को किया जाता है दुनिया की सफलतम महिला मुक्केबाजों में शुमार। खेलों में वरिष्ठ योगदान के लिए उन्हें मिले हैं पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। आदिवासी आबादी, आदिवासी समाज, राज्यसभा टेलीविजन उठाएगा उनके मुद्दे, बनेगा उनकी आवाज। मैं भी भारत कार्यक्रम में हम देश की जनजातियों के बारे में जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक बाहर जाए एक घर पर रे बसा बसिन पड़ावा ते एक बाहर जाए क्या कमाई। मक्का और ज्वार काटने के बाद में मजदूरी के अलावा दूसरा कोई उपचार नहीं है। ये काम तो करवा देते लेकिन पिछले 5 साल के आज तक मजदूरों को पैसा नहीं मिला। भारत के टेलीविजन इतिहास में पहली बार भारत के आदिवासियों पर विशेष श्रृंखला मैं भी भारत। इसराइल ने भारत के साथ $2 बिलियन का रक्षा करार किया है। इस सौदे के तहत इसराइल भारत को मिसाइल रक्षा प्रणाली देगा। ये जानकारी इसराइल के सरकारी उद्यम इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज यानी IAI ने दी है। ये मिसाइल प्रणाली 70 किलोमीटर के दायरे में एयरक्राफ्ट, मिसाइल और ड्रोन को तबाह करने में सक्षम होगी। इसराइल ने कहा कि इस रक्षा करार के तहत वो भारत को हवा में लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम मिसाइल रक्षा प्रणाली की भी आपूर्ति करेगा। इस ठेके में IAI का हिस्सा $1.6 अरब अमेरिकी का होगा। फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट कमेटी की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री के जुलाई में इसराइल दौरे से पहले ये करार द्विपक्षीय रक्षा सामरिक भागीदारी को मजबूत बनाने की दिशा में काफी। मौसम से जुड़ी बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में 4 दिन बाद बारिश रुकने से हालात सामान्य होने लगे हैं। झेलम नदी का पानी घटने से लोगों ने राहत की सांस ली है। बाढ़ राहत के लिए सेना की मदद ली जा रही है। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कल पीड़ित इलाकों का दौरा किया। इस बीच प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने मुख्यमंत्री को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। भारी बारिश के बाद पुंछ में फंसे लोगों को सेना ने हेलीकॉप्टर की मदद से बचाया। भारी बारिश के चलते घाटी के कई इलाकों में पानी भर गया है। राहत और बचाव का काम जारी है। हालांकि बीती रात बारिश रुकने से झेलम में पानी घटने लगा है। इससे बाढ़ के हालात सुधरने लगे हैं। गुरुवार को झेलम खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी। बहुत कम बारिश हुआ है तो ओवरऑल इम्प्रूवमेंट आया है काफ़ी। पिछले जो 3 दिन में जो सूरत हाल पैदा हुई थी बारिश की वजह से तो बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। तो आने वाले दिनों में भी हमारा जो फोरकास्ट है वो ऐसे ही रहेगा। ड्राई है फिलहाल 12-13 अप्रैल तक। तो आज थोड़ा सा लाइट ड्रिजलिंग टाइप का रहेगा, लाइट रेनफॉल, तो इसमें कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है लोगों को। जम्मू कश्मीर के हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से बात की। उन्होंने हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया। भूस्खलन के चलते जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग शुक्रवार को भी बंद रहा। उधमपुर की जेडी में तकरीबन 2.5 से 3 हजार ट्रक्स, जो बड़े ट्रक्स हैं, खड़े हैं। इवन मजालता में तकरीबन 200 से 250 ट्रक्स खड़े हैं। चनैनी खुद के आसपास भी कुछ गाड़ियां फंसी हुई हैं। अब फंसी हुई कहना सही नहीं होगा, उनको सेफ लोकेशंस पे लाया गया है जहां उनका खाने पीने का बंदोबस्त किया जा सके। वहीं लद्दाख के बटालिक सेक्टर में गुरुवार को हिमस्खलन से सेना के 3 जवानों की जान चली गई, जबकि 2 जवानों को बचा लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सीरिया पर अमेरिका के हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने शुक्रवार को आपात बैठक की। बैठक में अमेरिका ने अपने कदम को जायज ठहराया। फ्रांस और ब्रिटेन ने संदिग्ध रासायनिक हमले के खिलाफ अमेरिका की जवाबी कार्रवाई का समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत ने अमेरिका पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सीरिया में शांति कायम करने की अपील की है। सीरिया और रूस ने हमले की कड़ी निंदा की। सीरिया राष्ट्रपति बशर अल असद के कार्यालय से जारी बयान में हमले को गैर जिम्मेदाराना करार दिया गया। अमेरिका ने गुरुवार रात पहली बार सीरिया सरकार के खिलाफ हवाई हमले किए। इसे रासायनिक हमले का जवाब माना जा रहा है। सीरिया ने कहा कि हमले में 4 बच्चों समेत 9 लोगों की जान गई। रूस ने हमले को आक्रमण बताया है। Justified in doing so. The moral stain of the Assad regime could no longer go unanswered. His crimes against humanity could no longer be met with empty words. It was time to say enough.
but not only say it, it was time to act. स्वीडन ट्रक हमले से जुड़े एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। शुक्रवार को राजधानी स्टॉकहोम में हुए ट्रक हमले में 4 लोगों की मौत हो गई और 15 लोग घायल हुए हैं। स्वीडन के प्रधानमंत्री ने इसे आतंकी हमला करार दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी घटना पर दुख जताया है। जर्मनी और फ्रांस ने हमले की निंदा करते हुए आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से खड़े रहने की बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हमले की निंदा करते हुए स्वीडन को सहयोग की बात कही। हमला भारतीय दूतावास के करीब हुआ था। जानकारी के मुताबिक एक संदिग्ध शख्स ट्रक लेकर भीड़भाड़ वाले इलाके में दाखिल हुआ। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बताया कि घटना में दूतावास का कोई अधिकारी हताहत नहीं हुआ है। इस बीच पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। हमले के बाद स्टॉकहोम में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इस साल के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का ऐलान कर दिया गया है। मराठी फिल्म कासव को सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है। फिल्म रुस्तम के लिए अक्षय कुमार को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा। वे सुरभि सीएम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया है। फिल्मकार प्रियदर्शन की अध्यक्षता वाली जूरी ने 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का आज ऐलान किया। इसमें मराठी फिल्म कासव को सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है। वहीं राजेश मापुस्कर को उनकी मराठी फिल्म वेंटिलेटर के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया है। नानावटी केस पर बनी फिल्म रुस्तम में बेहतरीन अदाकारी के लिए अक्षय कुमार को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नीरजा भनोट के जीवन पर बनी फिल्म नीरजा को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला है। इसके लिए सोनम कपूर की बेहतरीन अदाकारी का विशेष उल्लेख भी किया गया है। बेस्ट हिंदी फिल्म इज नीरजा, प्रोड्यूसर इज फॉक्स स्टार स्टूडियोज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड राम मधवानी इज द डायरेक्टर। बेस्ट बंगाली फिल्म विसर्जन एंड प्रोड्यूसर मिसेस ओपेरा एंड कौशिक गांगुली इज द डायरेक्टर। सुरभि सीएम को मलयालम फिल्म मिन्ना मिनुंगु द फायर फ्लाई में निभाए उनके किरदार के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया है। वहीं तेलुगु फिल्म सातम नाम भक्ति को लोकप्रिय फिल्म चुना गया है। जायरा वसीम को दंगल फिल्म में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। शुरुआत इन्ना करी थी पापा, मना कुतिया कह रहा था पपीता ना कमीनी। मराठी फिल्म दशक्रिया के लिए मनोज जोशी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता चुना गया। वहीं फिल्म पिंक को सामाजिक मुद्दों पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है। नागेश कुकनूर की फिल्म धनक को बच्चों के लिए सबसे अच्छी फिल्म चुना गया है। बस चाचा, अब और छूट नहीं। फिल्म शिवाय को बेस्ट स्पेशल इफेक्ट अवार्ड मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तांडव है और ध्यान भी वो। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में आज सांसदों और मुंबई के सिने स्टार के बीच क्रिकेट मैच देखेंगे। इस मैच का मकसद देश में टीबी की बीमारी के खिलाफ लड़ाई का संदेश देना है। इस मैच में अनुराग ठाकुर, राजीव प्रताप रूडी, टीम इंडिया के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन, राजीव शुक्ला समेत कई नेता सांसदों की टीम में शामिल हैं। वहीं मुंबई हीरो टीम में सोहेल खान, सोनू सूद, आफताब शिवदसानी, रोहित रॉय, बॉबी देओल जैसे बॉलीवुड कलाकार शामिल हैं। ये मैच आज शाम 4 बजे से खेला जाएगा। संसद सत्र के व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर सांसद ये मैच खेलेंगे और इस मैच का सीधा प्रसारण राज्यसभा टीवी पर भी होगा। रामकुमार रामनाथन और प्रज्ञेश गुणेश्वरन ने अपने अपने एकल मुकाबले जीतकर भारत को डेविस कप एशिया ओशियाना ग्रुप एक के मुकाबले में उज्बेकिस्तान पर 2-0 से बढ़त दिला दी है। कल खेले गए मुकाबलों में रामकुमार रामनाथन ने तैमूर इस्माइलोव को 6-2, 5-7, 6-2, 7-5 से हराया। वहीं प्रज्ञेश गुणेश्वरन ने संजार फेजियेब को 7-5, 3-6, 6-3, 6-4 से मात दी। इस्माइलोव ने दाएं पैर की मांसपेशियों में खिंचाव के बावजूद रामकुमार को काफी परेशान किया। रामकुमार को मैच जीतने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ी। मलेशिया ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष वर्ग में भारत के अजय जयराम की चुनौती भी खत्म हो गई है। क्वार्टर फाइनल में कोरिया के सोन वान हो ने जयराम को सीधे सेटों में हरा दिया। सोन वान हो ने जयराम को 18-21, 14-21 से मात दी। इससे पहले सायना नेहवाल, पीवी सिंधु और बी साई प्रणीत पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए। बात करते हैं खास शख्सियत की। 19वीं शताब्दी के महान कवि और उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की आज पुण्यतिथि है। उनका जन्म 26 जून 1838 को हुआ। बंकिम चंद के कई उपन्यास प्रकाशित हुए जिनमें कपाल कुंडली, मृणालिनी,
विश्ववृक्ष कृष्णकांत का वसीयतनामा प्रमुख हैं। राष्ट्रीय दृष्टि से आनंद मठ उनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। सबसे पहले इसी में उपन्यास में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम प्रकाशित हुआ था। इस गीत को सबसे पहले 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। इसमें देशभक्ति का ऐसा आदर्श था जिससे प्रेरित होकर लाखों नवयुवक देशभक्ति की राह पर निकल पड़े। आधुनिक बांग्ला साहित्य के राष्ट्रीयता के जनक बंकिम चंद्र का 1894 में निधन हुआ। भारत में पहले स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत मंगल पांडे की भी आज पुण्यतिथि है। मंगल पांडे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में सिपाही थे। 1857 की क्रांति में मंगल पांडे ने एक ऐसे विद्रोह को जन्म दिया जो जंगल में आग की तरह देश भर में फैल गया। इसके बाद भारत की आज़ादी की क्रांति लगातार आगे फैलती गई। अब आखिर में हेडलाइंस। भारत और बांग्लादेश के बीच शिखर वार्ता आज। रक्षा, व्यापार और निवेश समेत अहम क्षेत्रों में 25 समझौतों की उम्मीद। द्विपक्षीय संबंध होंगे मजबूत। गौरक्षक मामले में सुप्रीम कोर्ट का 6 राज्यों को नोटिस। राजस्थान ने गृह मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट। विपक्ष ने लगाया गुमराह करने का आरोप। शिवसेना सांसद अरविंद गायकवाड़ से हटी पाबंदी। मारपीट पर जताया खेद। नागर विमानन मंत्रालय के आदेश पर एयर इंडिया का फैसला। अमेरिका ने सीरिया पर हमले को ठहराया सही। कहा और हमले के लिए रहे तैयार। रूस ने बताया अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन। हमले में 9 लोगों की हुई मौत। और डेविस कप मुकाबले में भारत ने उज्बेकिस्तान पर बनाई 2-0 की बढ़त। रामकुमार और प्रज्ञेश ने अपने अपने मैच जीते। मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में अजय जयराम की हार। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।